तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाला ये है कि एलईडी बल्ब का सर्किट अगर उसकी आईसी ख़राब हो जाती है तो आपको बताऊंगा कि उसे बाईपास कैसे करना है और किस तरीके से ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एलईडी बल्ब है, अब इसकी इस कंडीशन पर मत जाइएगा क्योंकि हमें जाना है सर्किट पर। अभी यहाँ पर SMD LED शॉर्ट कर रखी है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, MCPC भी बिल्कुल ओके है। तो इसे इस तरीके से हमें खोल लेना है सबसे पहले, ठीक। तो दोस्तों, अगर आपने सभी कुछ इसमें चेक कर लिया है, ये इस तरीके के MOV भी चेक कर लिया, रेजिस्टेंस चेक कर लिया, PF कैपेसिटर जो भी चेक करना है चेक कर लिया और तब भी वो नहीं चल रहा है, तो समझ लिया उसके IC खराब हो चुकी है। IC चेक करने का मैं दूसरा पॉइंट भी आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है और ये एक IC लगी है। ये 9 वाट का LED बल्ब है। IC सभी में होती है, सभी में सेम फंडा नहीं होता है, अलग अलग फंडा होता है, लेकिन जिसमें दो ही आइटम लगे होते हैं उसमें यही फंडा काम करेगा, चाहे वो 9 वाट का हो, चाहे 12 वाट का या 18 वाट का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हमें IC चेक करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, इस साइड में एक बिंदु लगा हुआ है, छोटा सा पॉइंट है, उसमें इधर 4 लैग हैं, ये देखो 4 लैग हैं और इधर इसमें 3 लैग हैं, ठीक है। तो हमें 3 लैग वाली साइड से चेक करना है। तो दोस्तों, चेक करने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से है, यहाँ से देख लो, प्लस पॉइंट निकला है IC से और यहाँ से निकल के प्लस पॉइंट में ही गया हुआ है, तो ये बाईपास का ही काम कर रही है IC किसी तरीके से, ठीक है। अगर ख़राब हो गई है तो चेक करने के लिए हमें करना ये होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सोल्डरिंग आयरन ले लेना है इस तरीके से, और जो 3 पिन वहाँ पे लगी हुई है चेक भी हो जाएगा और साथ में रिपेयरिंग भी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लैग हैं ये शॉर्ट कर देनी है, तीनों की तीनों लैग, ये देख लो हमने यहाँ पर कर दी है शॉर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों लैग हमने शॉर्ट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से ये चेक भी हो जाएगा और प्रॉपर फिक्स भी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, करना सिंपल ये है कि कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक PF और लगाना है और कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं करना है। तो PF की जो वैल्यू है 560K की है, उसके साथ हम रेजिस्टेंस 1 MΩ की रेजिस्टेंस जो कि 1/4 वाट में है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये अमेजोन से हमने मंगाई है, अमेजोन से आप भी मंगा सकते हैं, वहाँ पर लो हाई प्राइस होते रहते हैं, काफ़ी बड़ी किट मिल जाती है रेजिस्टेंस की, तो मंगा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से अटैच कर देना है, अटैच करने के बाद हमें इधर से भी अटैच कर देना है। अब इस रेजिस्टेंस का फ़ायदा ये होगा, जब भी हम इसके PF को यूज़ करेंगे कोई भी LED बल्ब में, तो ये करंट, मतलब कि बल्ब बंद करने के बाद भी करंट नहीं रोकेगा और हमें करंट का झटका नहीं लगेगा, ना ये बल्ब बाद में जलता रहेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि अगर हमने बल्ब हटा लिया और यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बल्ब लाइट जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा डिम डिम चलता रहता है, तो वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों ये जो PF है 155J 450 वोल्ट का है। तो PF लगाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक वायर, कोई सी भी वायर जो मेन AC कनेक्ट किया है, ये वाली या ये वाली, इसमें से एक वायर हटा देनी है, तो ये हमने हटा दिया। उसके बाद हमारी जो PF की लैग है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी। तो मैं लगाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर लगाते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है टच हो सकते हैं कहीं पे भी, तो इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो ये जो होल है जहाँ से हमने वायर निकाल ली है वहीं पे हम इसे लगा देंगे। तो इस तरीके से होल्डिंग पे लगाना है और ये ऊपर आ जाएगी थोड़ी, तो ऊपर आने के बाद इसे हमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, और सेटिंग करने के बाद इसे थोड़ा इस तरीके से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद जो हमने ये वायर हटाई हुई है, तो यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग कर देना जिससे कि बार बार ना निकले। तो जो हमने वायर हटाई है, ये वाली वायर हमें इसकी दूसरी पिन पे लगा देनी है, जो PF है ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस पिन पर हमें इसे एडजस्ट कर देना है, और जो फालतू पिन है वो हमें कट कर देनी है। दोस्तों, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर वायर भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है इस वायर को हम इस तरीके से मोड़ देते हैं जिससे कि कहीं पर टच ना हो। अब हमारा जो है LED बल्ब बिल्कुल ओके तैयार हो चुका है। तो हमने ये बाईपास भी कर दिया, आपको दोबारा से बता देता हूँ, 3 लैग है इधर, इधर वाली हमें एक साथ में शॉर्ट कर देनी है जिससे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर से डायरेक्ट इस पर आ सके। अब हम करते क्या है, इसे बॉडी में फिक्स करते हैं और चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर बॉडी में फ़िक्स करते टाइम देख लेना है कि टचिंग तो नहीं है, तो टचिंग नहीं है, दूर है थोड़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब यहाँ पर इसे हमने लगा दिया है, अब मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ इसको। तो सबसे पहले सीरीज में चेक कर लेते हैं, तो ये देखो सीरीज में बिल्कुल ओके ग्लो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्ट मेन AC में ऑन करूँगा तो यहाँ पे मेन AC में भी सही से चल रहा है। अब ये SMD LED कुछ इसकी ख़राब है इसीलिए नहीं जल रही है, वैसे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपको मैं खोल कर भी इसे चालू करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने खोल लिया है, तो ये PF है
अब देखो यहाँ से आपको दिखता रहेगा और ये चलता भी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सही से वर्क कर रहा है। मेन एसी में भी ऑन कर दिया और पीएफ लगा हुआ है। पीएफ लगाने के बाद इसकी जो लाइफ हो जाएगी लगभग एक साल से पहले ये ख़राब नहीं होने वाला है। अगर होगा तो पीएफ ही हो जाएगा, पीएफ आप चेंज कर सकते हैं या फिर कोई आइटम ख़राब होगा तो वो चेंज कर सकते हैं। तो कम से कम एक साल ये इजीली चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या किसी वीडियो का लिंक भेज दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।